dear students my name is archita gupta and you are watching the pharmacopedia so in the previous two lectures we have learnt about the process of glycogenesis and the glycogenolysis so in today's lecture which is the lecture number nine of the biochemistry series we will be understanding the regulation of glycogenesis and the glycogenolysis but at the end of the video i'll be asking few questions so make sure that you answer these questions in the comment section below and for that watch the complete video Yes, बच्चों तो आज का टॉपिक क्या है सो टुडे टॉपिक ऑफ डिस्कशन इज द रेगुलेशन ऑफ ग्लाइकोजेनेसिस एंड द्लाइकोजीनोलाइसिस ठीक है बच्चों इन दोनों टॉपिक्स पे वीडियो अवेलेबल है लिंक इज इन द डिस्क्रिप्शन यस बच्चों सो टुडे टूडेज टॉपिक ऑफ डिस्कशन इज द रेगुलेशन ऑफ ग्लाइकोजेनेसिस एंड यस बच्चों, व्हाट इज ग्लाइकोजेनेसिस? एक शॉर्ट में देख लेते हैं ठीक है ग्लाइकोजेनेसिस क्या है ग्लूकोज से ग्लाइकोजन का बनना ठीक है इन वेरी इजी लैंग्वेज ग्लूकोज से ग्लाइकोजन का बनना इज नोन एज द ग्लाइकोजेनेसिस दट इज दिंथेसिस ऑफ ग्लाइकोजन एंड ग्लाइकोजीनोलाइसिस क्या है ग्लाइकोजन से ग्लूकोज का बनना क्या कहलाता है बच्चों लाइसिस का मतलब क्या था ब्रेकडाउन ठीक है तो ग्लाइकोजे glycogen, के केस के में क्या हो रहा है ग्लाइकोजन का ब्रेकडाउन हो रहा है और ग्लाइकोजेनेसिस के केस में क्या हो रहा है ग्लाइकोजन का सिंथेसिस हो रहा है यस बच्चों तो एक जरूरी चीज जो ये है कि ग्लाइकोजेनेसिस और के बीच में एक गुड कोऑर्डिनेशन ठीक है एक अच्छा तालमेल होना बहुत जरूरी है ठीक है इन ऑर्डर टू मेंटेन द ब्लड ग्लूकोज लेवल ठीक है उससे पहले जो दो एंजाइम है जिसके बारे में अभी हम चर्चा करेंगे वो है पहला एंजाइम है विच इज ग्लाइकोजन सिंथेस इस एंजाइम से तो आप पहले भी मिल चुके हैं ठीक है थीके? जो दूसरा एंजाइम है दिस इज द्लाइकोजन फोस्फोराइलेस ठीक है तो जो पहला एंजाइम है वो क्या करता है वो बनाने का काम करता है किसको ग्लाइकोजन को बनाने का काम करता है ठीक है और जो दूसरा एंजाइम है विच इज द ग्लाइकोजन फोस्फोराइलेस ये एंजाइम क्या करता है ये तोड़ने का काम करता है किसको ग्लाइकोजन को तोड़ता है किसमें ग्लूकोज में ठीक है बच्चों सो दिस एंजाइम इज हेल्पफुल इन द प्रोसेस ऑफ ग्लाइकोजेनेसिस

वेलफेड well स्टेट में क्या होता है वेल्फेड स्टेट के दौरान मैंने आपको बताया था कि जो ग्लूकोज है वो किस फॉर्म में स्टोर हो रहा है ग्लाइकोजन के फॉर्म में स्टोर हो रहा है ठीक है बच्चों हर एक चीज़ का एक ऑप्टिमम लेवल होता है ठीक है तो ब्लड में भी ग्लूकोज का एक ऑप्टिमम लेवल है ठीक है जिसमें क्या होता है कि ग्लूकोज की कंसनट्रेशन उससे ज़्यादा नहीं होनी चाहिए जिससे कि क्या होता है हाइपोग्लाइसीमिक कंडीशन हो सकता है ना ही ग्लूकोज की कंसनट्रेशन उस एप्रोप्रिएट ऑप्टिमम लेवल से कम होनी चाहिए क्योंकि उस केस में क्या हो जाएगा हाइपोग्लाइसीमिया हो जाएगा ठीक है

और क्या करता है ये ब्लड ब्लड ग्लूकोज लेवल को क्या करता है मेंटेन करता है ठीक है एज डाइटेड बाय सर्टेन हार्मोन्स ठीक है तो इन दैट केस क्या होता है ग्लाइकोजन क्या करता है टूट जाएगा और बॉडी की एनर्जी रिक्वायरमेंट को फुलफिल करेगा बाय द फॉर्मेशन ऑफ द ग्लूकोज ठीक है तो इसीलिए क्या होता है ग्लाइकोजेनेसिस और ग्लाइकोजिनोलाइसिस के बीच में एक अच्छा कोऑर्डिनेशन होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है इन ऑर्डर टू मेंटेन द ब्लड ग्लूकोज लेवल ठीक है बच्चों तो फिर आते हैं मैकेनिज्म की कि किन तीन मैकेनिज्म से ये ये दोनों प्रोसेस का रेगुलेशन होता है सो देयर आर बेसिकली द थ्री मैकेनिज्म द फर्स्ट इज द एलोस्टेरिक रेगुलेशन द द सेकंड इज हार्मोनल रेगुलेशन एंड द थर्ड इज द रेगुलेशन बाय द इंफ्लुएंस ऑफ कैल्शियम ओके डियर स्टूडेंट्स फर्स्टली विल बी लुकिंग एट दलोस्टेरिक रेगुलेशन ओके सो वेन टॉकउट देशन फर्स्टली जो चीज हमें समझना है कि एलोस्टेरिक टर्म का मतलब क्या होता है ठीक है बच्चों वट डू आई मीन बाई दलोस्टेरिक ठीक है जैसे कि क्या होता है कि एंजाइम होता है ठीक है फॉर एग्जाम्पल दिस इज दी ये क्या है एनजाइम है और एंजाइम में क्या होता है एक एक्टिव साइट होता है दिस इज द एक्टिव साइट ठीक है इसी एक्टिव साइट से क्या होता है सबस्ट्रेट बाइंड करता है टू दिस एक्टिव साइट दिस सबस्ट्रेट गेट्स बाइंड एंड शोज द एंजाइमेटिक एक्टिविटी एंजाइम की एक्टिव साइट से क्या होता है नॉर्मल केस में क्या होता है कि एंजाइम की एक्टिव साइट से कोई भी सबस्ट्रेट बाइंड होकर क्या करता है एंजाइमेटिक एक्टिविटी को शो करता है बट अपार्ट फ्रॉम दिस साइड दिस एक्टिव साइट एक एडिशनल साइट अवेलेबल होता है एंजाइम पे एक एडिशनल साइट अवेलेबल होता है दिस एडिशनल साइट इज नोन एज द एलोस्टेरिक साइट ठीक है बच्चों दिस एडिशनल साइट इज नोन एज द एलोस्टेरिक साइट ठीक है तो जब सबस्ट्रेट जब सबस्ट्रेट इस एलोस्टेरिक साइट से बाइंड करके एंजाइमेटिक एक्टिविटी को शो करता है देन दिस इज नोन एज द एलोस्टेरिक रेगुलेशन ठीक है

ठीक है ये सबस्ट्रेट जाके इस एक्टिव साइट से बाइंड हो जाता है और एक्टिविटी शो करता है ठीक है और ये जो साइट है इसको हम कंसिडर कर रहे हैं एलोस्टेरिक साइट एलो का मतलब ही होता है अदर और द एडिशनल साइट ठीक है बच्चों तो ये जो सबस्ट्रेट है ये एक्टिव साइट से ना बाइंड करके ये कहाँ पे जाके बाइंड कर रहा है इट गेट्स बाइंडेड टू दी अदर साइट विच इज द एलोस्टेरिक साइट ठीक है ये एलोस्टेरिक साइट से जाके बाइंड करता है और क्या करता है एक्टिविटी को शो करता है सो दिस टाइप ऑफ रेगुलेशन इज नोन एज द एलोस्टेरिक रेगुलेशन ठीक है बच्चों आई होप कि ये टर्म आपको क्लियर होगा ठीक है वेन टॉकिंग अबाउट द एलोस्टेरिक रेगुलेशन तो क्या होता है जब बॉडी में एनर्जी की लेवल ठीक है जब बॉडी में एनर्जी की लेवल फॉर एग्जाम्पल जो सब्स्टेट है जैसे ग्लूकोज सब्स्टेट हो गया या ए है ए का कंसेंट्रेशन या ग्लूकोज का कंसनट्रेशन जब बॉडी में ज़्यादा होगा तो उस केस में क्या होगा बॉडी को ज़रूरत तो नहीं है ना किसी चीज़ की क्योंकि उसकी रिक्वायरमेंट तो ऑलरेडी फुलफिल हो रही है उन सबस्टेट के द्वारा जो बॉडी में प्रेजेंट है तो इन दैट केस जो क्या होता है बॉडी में जो ग्लूकोज है वो किस फॉर्म में स्टोर हो जाता है ग्लाइकोजन के फॉर्म में स्टोर हो जाता है लिवर में ठीक है बट जब बॉडी में एनर्जी लेवल कम होती है ग्लूकोज का कंसनट्रेशन कम होता है एटीपी का कंसंट्रेशन कम होता है तो फिर क्या होता है बॉडी के अंदर क्या होता है उसको एनर्जी की रिक्वायरमेंट है तो वो एनर्जी उसे कहाँ से मिलती है ग्लाइकोजन से मिलती है ठीक है तो इन दैट केस जो ग्लाइकोजन वो किस में टूटेगा ग्लूकोज में टूटेगा इन ऑर्डर टू फुलफिल द एनर्जी रिक्वायरमेंट्स ऑफ द बॉडी ठीक है तो जो सबसे पहला चीज़ आता है वेलफेड स्टेट ठीक है सो वेलफेड स्टेट से तो हम अब, हम सब अब तक फेमिलियर हो चुके होंगे ठीक है बच्चों सो वॉट हैपन्स ड्यूरिंग द वेलफेड स्टेट ड्यूरिंग द वेलफेड स्टेट द कंसनट्रेशन ऑफ द ग्लूकोज सिक्स फॉस्फेट द कंसेंट्रेशन ऑफ द ग्लूकोज सिक्स फॉस्फेट ठीक है इज हाई इज हाई इन द बॉडी ठीक है बॉडी में जो ग्लूकोज सिक्स फॉस्फेट की जो कंसनट्रेशन है या कह सकते हैं ए टीपी ठीक है जो ए टीपी मॉलिक्यूल्स है उसकी अवेलेबिलिटी क्या होगी ज्यादा होगी ड्यूरिंग द वेलफेयर स्टेट ठीक है तो जब इसकी अवेलेबिलिटी ज्यादा होगी तो ठीक है तो हम क्या तो बॉडी क्या करेगा बॉडी इन सारी चीजों को क्या करेगा कन्वर्ट कर देगा किसमें ग्लाइकोजन में ठीक है विल बी अंडरस्टैंड इट अंडरस्टैंड इट लाइक दिस ठीक है दिस इज द द्लूकोज दिस इज द ग्लाइकोजन एंड दिस इज द द्लूकोज फेट ठीक है बच्चों सो द प्रोसेस ऑफ कन्वर्जन ऑफ ग्लू ग्लाइकोजन टू ग्लूकोज सिक्स फॉस्फेट इज इनिशिएटेड बाई वेट एनजाइन बाय द ग्लाइकोजन फॉस्फोराइलेस ठीक है ग्लाइकोजन फॉस्फोराइलेस क्या कराता है ग्लाइकोजन का ब्रेकडाउन किस में करता है ग्लूकोज सिक्स फॉस्फेट में करता है एंड ग्लूकोज सिक्स फॉस्फेट से ग्लाइकोजन कौन बनाता है ग्लाइकोजन सिंथेस ठीक है बच्चों ये एक छोटी सी चीज क्लियर हो गई अब इन दोनों एंजाइम का हम रेगुलेशन पढ़ते हैं ठीक है तो वेल फेड स्टेट में क्या होगा ग्लूकोज सिक्स फॉस्फेट क्या उसकी अवेलेबिलिटी या ए टी पी की अवेलेबिलिटी क्या होगी ज्यादा होगी ठीक है तो इन दैट केस इन दैट केस व्हाट विल हैपन इन दैट केस ओह मैंने इसको बिरअप कर दिया सॉरी फॉर दैट आई एम राइटिंग इट अगेन दैट इज द ग्लूकोज सिक्स फॉस्फेट यस बच्चों तो क्या होगा कि ये जो ए टी पी है ठीक है या कह सकते हैं या जो ये जो ग्ला ग्लूकोज सिक्स फॉस्फेट है ग्लूकोसिक्स फॉस्फेट ठीक है ग्लूकोज सिक्स फॉस्फेट या ए ये क्या करेगा ये एलोस्टेरिकली इनहिबिट करेगा विथ एनजाइन टू द्लाइकोजन फोस्फोराइलेज एंड सेम इज फॉर द दीपी ठीक है सो इन द वेल फेड स्टेट के so well दौरान क्या होता है ग्लु, जो ग्लूकोज सिक्स फॉस्फेट है और एटीपी का मॉलिक्यूल है वो क्या करता है एलोस्टेरिकली किसको इनहिबिट करेगा इट इनहिबिट्स एलोस्टेरिकली टू दी किसमें ना टूट पाए फॉस्फेट में ना टूट पाए? पाए और इनहिबिट कर रहा है तो ये एक्टिवेट किसको करेगा इट एक्टिवेट द्लाइकोजन सिंथेस ठीक है तो ग्लूकोज सिक्सफेट एलोस्टेरिकली एक्टिवेट द्लाइकोजन सिंथेस जिससे कि क्या होता है इट एक्टिवेट्स द ग्लाइकोजन सिंथेस जिसमें क्या होता है ग्लूकोज सिक्स फॉस्फेट किस में बदल जाता है ग्लाइकोजन में कन्वर्ट हो जाता है ठीक है बच्चों इसको कुछ हम डिटेल में और समझते हैं जैसे क्या होता है वेलफेयर स्टेट के टाइम पे क्या होता है ग्लूकोज सिक्स फॉस्फेट की अवेलेबिलिटी और ए की अवेलेबिलिटी ज़्यादा होती है ठीक है बच्चों जब उसकी अवेलेबिलिटी ज़्यादा होगी तो क्या होगा मतलब कि बॉडी की एनर्जी रिक्वायरमेंट फुलफिल हो रही है ठीक है मतलब कि बॉडी को ग्लाइकोजन का यूज अभी नहीं करना है ठीक है क्योंकि उसकी एनर्जी रिक्वायरमेंट फुलफिल हो रही है तो इन दैट केस क्या करते है? 6 ATP, करता है ग्लूकोज सिक्स फॉस्फेट और ए टीपी एलोस्टेरिकली इनहिबिट करता है टू दी एनजाइम ग्लाइकोजन फॉस्फोराइलेस जिसकी वजह से ग्लाइकोजन क्या आता है टूट नहीं पाता है क्योंकि बॉडी की रिक्वायरमेंट ऑब्वियसली पूरी हो रही है ठीक है एंड इट एलोस्टेरिकली इनहिबिट दी एक्टिवेट दी एनजाइम ग्लाइकोजन सिंथेस जिसकी वजह से जो एक्सेस ग्लूकोज सिक्स फॉस्फेट है ब्लड में जो प्रेजेंट एक्सेस ग्लूकोज सिक्स फॉस्फेट है वो किस में जाके स्टोर हो जाए ग्लाइकोजन में जाके ग्लाइकोजन के फॉर्म में स्टोर हो जाए वेयर इन द लिवर इन द फॉर्म ऑफ अ फ्यूल रिजर्व ठीक है आई होप दिस पॉइंट इज क्लियर बच्चों ठीक है सो दिस इज सो दिस वॉस अबाउट दि एलोस्टेरिक रेगुलेशन एक और चीज जब लिवर के जो लिवर के अंदर जो फ्री ग्लूकोज है ठीक है लिवर के अंदर फ्री ग्लूकोज जो प्रेजेंट होता है इट ऑल्सो एलोस्टेरिकली इनहिबिट दिस दिस ग्लाइकोजन फॉस्फोराइलिज एंजाइम ठीक है जब लिवर के अंदर जो फ्री ग्लूकोज अवेलेबल है वो क्या करता है वो भी एलोस्टेरिकली किसको इनिबिट कर देता है इट ऑल्सो इनिबिट्स द एंजाइम ग्लाइकोजन ग्लाइकोजन एंड दैट इज द इट इनिबिट्स द सिंथेसिस ऑफ द सिंथेसिस ऑफ ऑफ ग्लूकोज ठीक है की कंडीशन को क्या करता है वो क्या करता है इनिबिट कर देता है डोमिनेट करता है कौन लिवर के अंदर जो फ्री फ्री ग्लूकोज जो अवेलेबल है ठीक है और वो क्या करेगा वो क्या करेगा ग्लाइकोजन की uh, की सिंथेसिस को ही प्रमोट करेगा क्योंकि ऑलरेडी लीवर के अंदर फ्री ग्लूकोज अवेलेबल है ठीक है बच्चों तो ये तो रहा पहला रेगुलेशन विच इज द एलोस्टेरिक रेगुलेशन जिसके अंदर हमने जाना कि uh, कैसे क्या होता है ग्लाइकोजेनेसिस और ग्लाइकोजिनोलाइसिस का प्रोसेस जो है वो वो कुछ सबस्टेट जैसे ग्लूकोज सिक्स फॉस्फेट ए या फ्री ग्लूकोज से कैसे रेगुलेटेड uh, होता है ठीक है बच्चो इन द सेकंड सेकंड स्टेप विल बी वी विल बी अंडरस्टैंडिंग अबाउट हार्मोनल रेगुलेशन ऑफ द ग्लाइकोजन मेटाबॉलिज्म स्टूडेंट्स मूविंग ए है टू हार्मोनल रेगुलेशन ऑफ द ग्लाइकोजन मेटाबॉलिज्म मेटाबॉलिज्म दैट इज द एनाबॉलिज्म एंड द कटाबॉलिज्म एनाबॉलिज्म का मतलब होता है बिल्डिंग अप या किसी भी चीज का सिंथेसिस कैटाबॉलिज्म क्या होता है ब्रेकडाउन ठीक है किसी भी चीज का डिग्रेडेशन या टूटना इज नोन एज कैटाबॉलिज्म इट इज जस्ट फॉर द इन्फॉर्मेशन ठीक है तो हॉर्मोन रेगुलेशन के अंदर जो सबसे पहली चीज़ है वो हम पढ़ेंगे इट इज द रेगुलेशन ऑफ ग्लाइकोजन सिंथेसिस बाई सी एम पी ठीक है बच्चों ग्लाइकोजन सिंथिस का मतलब हुआ ग्लाइकोजेनेसिस ठीक है जिसके अंदर जो एंजाइम है जो रेस्पॉन्सिबल होगा इट इज दी ग्लाइकोजन सिंथेस ठीक है बच्चों तो सबसे पहले स्टेप में हम क्या देखते हैं सबसे पहले स्टेप में क्या होता है कहानी में आता है हार्मोन ग्लूकागॉन और एपिनेफ्रीन ठीक है ग्लूकागॉन से हम सब पहले ही मिल चुके हैं इट इज सिक्रेटेड बाय द अल्फा सेल्स ऑफ द पेनक्रियास ठीक है तो ये दोनों हार्मोन क्या करते हैं जो लिवर में प्रेजेंट है ये क्या करते हैं इट कॉन्स द एक्टिवेशन ऑफ द एडिनाइलेट साइक्लेस ठीक है तो फर्स्ट स्टेप में क्या होता है दिस हॉर्मोन ग्लूकागोन एंड ग्लुका� दी एपिनेफ्रीन ठीक है

तो क्या करता है तो सेकंड स्टेप में क्या हो रहा है दिस एडीनालिट साइक्लेस विच इज इन द एक्टिव फॉर्म इट कॉजेज द कन्वर्जन ऑफ ए टी पी दैट इज एडीनोस इन ट्राई फॉस्फेट टू साइक्लिक एडीनोसिन मोनोफॉस्फेट ठीक है बच्चों तो इस सेकंड स्टेप में ये हो रहा है थर्ड स्टेप में क्या हो रहा है एट द थर्ड स्टेप दिस सी एम पी कॉजेज द एक्टिवेशन ऑफ द प्रोटीन काइनेस ठीक है तो ये सी एम पी क्या करता है इट कॉजेज द एक्टिवेशन ऑफ द सी ए सी एम पी डिपेंडेंट प्रोटीन काइनेस ठीक है बच्चों तो थर्ड स्टेप में हम क्या बोल सकते हैं कि cAMP डिपेंडेंट प्रोटीन का क्या हो रहा है एक्टिवेशन हो रहा है ठीक है बच्चों उससे पहले जो एक, एक जरूरी चीज जो समझना है वो ये है कि ये दिस देन इन द प्रेजेंस ऑफ फॉस्फो डाई किस किसमें टूट जाता है फाइव ए एम पी में ठीक है देन दिस इन द प्रेजेंस ऑफ फॉस्फोडाई स्ट्रेस गेट्स ब्रोकन डाउन इंटू फाइव ए एम पी दैट इज एडिनोसिन मोनोफॉस्फेट ठीक है बच्चों इसको मैंने यहाँ पे क्यों बताया क्योंकि वेन आई टॉक अबाउट दी हॉर्मोन इंसुलिन ठीक है ये हॉर्मोन इंसुलिन क्या करता है ये हॉर्मोन इंसुलिन क्या कहता है फॉस्पोडाइस्ट्रेस की एक्टिविटी को क्या करता है प्रोमोट करता है ठीक है जब यह इंसुलिन फॉस्पोडाइस्ट्रेस की एक्टिविटी को प्रमोट कर देगा तो क्या होगा सी एम पी का सी एम पी का कहता है ब्रेकडाउन हो जाएगा जब इसका ब्रेकडाउन हो जाएगा तो फर्दर प्रोसेस नहीं हो पाएगा ठीक है बच्चों थर्ड स्टेप तक का मैटर क्लियर है जो फोर्थ स्टेप है उसमें हम क्या देखते हैं उसमें हम देखते हैं कि ये जो सी डिपेंडेंट प्रोटीन काइनेज है ये क्या करता है ये फॉस्फोराइलेशन कॉज करता है ठीक है जब हार्मोनल रेगुलेशन की बात करेंगे तो इसमें जो पूरी कहानी है वो फॉस्फोराइलेशन और डीफॉस्फोराइलेशन का है ठीक है बच्चों जो डिसाइड करता है कि ग्लाइकोजन का सिंथेसिस होगा कि ग्लाइकोजन का डिग्रेडेशन होगा ठीक है बच्चों दैन दिस सी डिपेंडेंट प्रोटीन काइनेज विद द यूटिलाइजेशन ऑफ ए ठीक है ए का यूटिलाइजेशन करके ये क्या करता है ग्लाइकोजन सिंथेस जो एक्टिव फॉर्म में उसको क्या करते हैं इनएक्टिवेट कर देता है ठीक है ग्लाइकोजन सिंथेस है इट इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर द प्रोसेस ऑफ ग्लाइकोजेनेसिस ग्लाइकोजन के बनने में ये हेल्प करता है ये ग्लाइकोजन सिंथेस दो फॉर्म में अवेलेबल है दैट इज ग्लाइकोजन ग्लाइकोजन सिंथेस ए जो क्या करते हैं एक्टिव फॉर्म में होता है एंड इज नॉन फॉस्फोराइलेटेड ठीक है ग्लाइकोजन सिंथेस ए जो है वो नॉन फॉस्फोराइलेटेड है और जो ग्लाइकोजन सिंथेस बी है जो इनएक्टिव फॉर्म में रहता है वो क्या है इट इज़ फॉस्फोराइलेटेड ठीक है बच्चों तो ये जो सी एम पी डिपेंडेंट प्रोटीन काइनेज है ये क्या करता है इट कॉजेज द फॉस्फोराइलेशन ठीक है इट कॉजेज द फॉस्फोराइलेशन ऑफ ग्लाइकोजन सिंथेस ए टू ग्लाइकोजन सिंथेस बी ठीक है जब इसका फॉस्फोराइलेशन हो गया तो ये क्या होगा ये इनएक्टिव हो जाएगा ठीक है इट गेट्स इनएक्टिवेटेड ठीक है जब ये ग्लाइकोजन सिंथेस सिंथेस इनएक्टिव हो जाएगा तो क्या होगा अल्टीमेटली द प्रोसेस ऑफ ग्लाइकोजेनेसिस इज इनहिबिटेड ठीक है तो ग्लाइकोजन क्या होएगा नहीं बन पाएगा इसे सीधे-सा हम एक चीज ये भी बोल सकते हैं कि ग्लूकागॉन क्या कराता है वो ग्लाइकोजेनेसिस का प्रोसेस क्या करते हैं इनहिबिट करता है ठीक है मतलब कि वो ग्लूकोस से ग्लाइकोजन नहीं बनने देता है ठीक है बच्चों जो 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 नेक्स्ट स्टेप है वो ये है कि ग्लाइकोजन सिंथेस भी जो इनएक्टिव फॉर्म में है ये किसके प्रेजेंस में एक्टिव हो सकता है ये प्रोटीन फॉस्फेटेस ठीक है प्रोटीन फॉस्फेटेस एंजाइम के प्रेजेंस में ये क्या करता है ये एक्टिवेट हो सकता है ठीक है क्योंकि ये जो प्रोटीन फॉस्फेटेस एंजाइम है ये क्या करता है इट कॉज द डिफॉस्कोराइजेशन ऑफ ग्लू ऑफ ग्लाइकोजन सिंथेस बी टू ग्लाइकोजन सिंथेस ए ठीक है तो इस तरीके से ग्लाइकोजेनेसिस का जो प्रोसेस है वो इनहिबिट हो जाता है ठीक है एंड में हम क्या कंक्लूड कर सकते हैं हम ये कंक्लूड कर सकते हैं कि जो हार्मोन ग्लूकागोन है या एपीनेफ्रीन और नॉन एपीनेफ्रीन एडिलेन और नॉन एडिलेनिन जो हार्मोन है ये क्या करता है ये ग्लाइकोजेनेसिस का प्रोसेस इनहिबिट करता है किस तरीके से बाई द फॉर्मेशन ऑफ द सी एम पी जो क्या करता है जो फॉस्पोराइलेशन करता है किसका द एंजाइम ग्लाइकोजन सिंथेस ठीक है तो ये क्या करता है ग्लू uh, तो इन शॉर्ट क्या बोल सकते हैं ग्लूकागोन और एपिनेफ्रीन ग्लाइकोजेनेसिस uh, के जो प्रोसेस है वो क्या करता है इनहिबिट करता है मतलब कि ग्लूकोज uh, से ग्लाइकोजन को नहीं बनने देता है ठीक है बच्चों सो दिस वॉज अबाउट द रेगुलेशन ऑफ द ग्लाइकोजन सिंथेसिस बाई सी एम पी फर्स्ट स्टेप में एक्टिवेशन हो रहा है डीनाइलिट साइक्लेस का सेकेंड स्टेप में सी का फॉर्मेशन हो रहा है थर्ड स्टेप में प्रोटीन काइनेस का एक्टिवेशन हो रहा है फोर्थ स्टेप में क्या हो रहा है फॉस्कोराइलेशन हो रहा है ग्लाइकोजन सिंथेस बी का लास्ट ग्लाइकोजन सिंथेसिस क्या हो रहा है इनिबिट हो रहा है ठीक है बच्चों सो दिस वॉस अबाउट द रेगुलेशन ऑफ द ग्लाइकोजन सिंथेसिस बाई सी ठीक है फर्दर वी लुकिंग एट द रेगुलेशन ऑफ ग्लाइको रेगुलेशन ऑफ दी ग्लाइकोजन डिग्रेडेशन बाई सी एम पी ठीक है बच्चों सो जस्ट टेक ए स्क्रीन शॉट ऑफ दिस नाउ टॉकिंग अबाउट दि सेकेंड स्टेप विच इज द रेगुलेशन ऑफ ग्लाइकोजन डिग्रेडेशन बाई सी एम पी ग्लाइकोजन डिग्रेडेशन है इट मीनस ग्लाइकोजिनोलाइसिस ठीक है इसके लिए कौन सा इंजाइम रिस्पॉन्सिबल होगा इसके लिए रिस्पॉन्सिबल होगा ग्लाइकोजन फॉस्फोराइलेस इंजाइन ठीक है बच्चों तो सबसे पहले जब हम देखते हैं तो यहाँ तक की कहानी सेम है ठीक है सी ए एम पी डिपेंडेंट प्रोटीन काइनेस का जो एक्टिवेशन हो रहा है वहाँ तक की कहानी Uh, कहानी सेम है ठीक है तो मैं एक जस्ट क्विक रिव्यू दे रही हूँ ठीक है एट द फर्स्ट स्टेप क्या हो रहा है ग्लूकागन और एपिनेफ्रिन क्या करता है एडिनाडेड uh, साइक्लेस का क्या होता है एक्टिवेशन करता है जिससे क्या होता है सीएमपी का फॉर्मेशन हो रहा है सेकेंड स्टेप में दिस सी एम पी दिन कॉस द एक्टिवेशन ऑफ सी एम पी डिपेंडेंट प्रोटीन काइनेज ठीक है बच्चों तो ये थर्ड स्टेप तक की जो कहानी है वो सेम है ठीक है बच्चों जो डिफरेंस आता है वो इन दोनों स्टेप में आता है ठीक है बच्चों तो क्या होता है ये जो सी एम पी डिपेंडेंट प्रोटीन काइनेज है जो एक्टिव फॉर्म में है ये क्या करता है ये फॉस्फोराइलेशन कॉज करता है किसका एंजाइम का, का क्या करता है ये फॉस्फोराइलेशन कॉज करता है ठीक है मैंने आपको बताया था कि हार्मोनल रेगुलेशन में क्या होता है जो पूरा कहानी जो पूरा खेल है वो किस चीज का है फॉस्फोराइलेशन और डीफॉस्फोराइजेशन का ठीक है बच्चों तो ये सी ए एम पी डिपेंडेंट प्रोटीन काइनीस क्या जो एक्टिव फॉर्म में है ये क्या करता है इट कॉजेज द फॉस्फोराइजेशन ठीक है इट कॉजेज दाइजेशन ठीक है

प्रोटीन फॉस्पिटीज क्या करता है वो फॉस्फोराइलिस एक्टिव फॉर्म में उसको क्या करता है इनएक्टिव फॉर्म में कन्वर्ट कर देता है ठीक है अब ये फॉस्पिटिज है ठीक है तो ये फॉस्पिटिज एंजाइम क्या करता है ये डीफॉस्फोराइलेशन कॉस करेगा जिससे कि क्या होता है ये इनएक्टिव फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है ठीक है बच्चों तो फोर्थ स्टेप में ये कहानी है ठीक है फिफ्थ स्टेप विच इज द लास्ट स्टेप लास्ट स्टेप में क्या होता है कि ये ठीक है ये जो फॉस्फोराइलिसकाइनेस है इट कॉज द कन्वर्जन ऑफ द ग्लाइकोजन फॉस्फोराइलिस विच इज इन द इनएक्टिव स्टेट टू द एक्टिव स्टेट ठीक है कहने का मतलब मेरा ये है कि ये जो फॉस्फोराइलिस काइनेस है ठीक है ये क्या करता है पहले तो ग्लाइकोजन फॉस्पिटेस ठीक है ग्लाइकोजन फॉस्पिटेस भी दो फॉर्म में एग्जिस्ट करता है दैट इज ग्लाइकोजन फॉस्फोराइलिस ए विच इज द एक्टिव फॉर्म ग्लाइकोजन फॉस्फोराइलिस बी विच इज द इनएक्टिव फॉर्म ठीक है बच्चों तो ये क्या करेगा ये फॉस्फोराइलिस काइनेस के प्रेजेंस में क्या होता है ये ग्लाइकोजन फॉस्फोराइलिस जो इनएक्टिव फॉर्म में है वो किस में कन्वर्ट हो जाता है वो एक्टिव फॉर्म में हो जाता है ठीक है या कह सकते हैं कि जो फॉस्फोराइलेस काइनेस है इट ऑल्सो कॉजेज द फॉस्फोराइलेशन ऑफ ग्लाइकोजन फॉस्फोराइलिस टू ग्लाइकोजन फॉस्फोराइलिस एच इज द एक्टिव स्टेट ठीक है बच्चों तो जब ये क्या हो जब ये एक्टिव हो जाएगा ठीक है जब ये एंजाइम एक्टिव हो जाएगा तो फिर क्या होगा ये अल्टीमेटली ये क्या करेगा इट कॉजेज दी इट कॉज दी डिग्रेडेशन ऑफ ग्लाइकोजन ठीक है तो अब क्या होगा इससे क्या हो जाएगा ग्लाइकोजन किसमें टूट जाएगा ग्लूकोस वन फॉस्फेट में ठीक है सो दिस एंजाइम देन ब्रेक्स द ग्लाइकोजन टू ग्लूकोज वन फॉस्फेट ठीक है ये जो एक्टिव फॉर्म में है ये इन एक्टिव फॉर्म में भी कन्वर्ट हो सकता है किसके प्रोटीन फॉस्फेटेज एंजाइम के प्रेजेंस में जो क्या करता है डीफॉस्फोराइजेशन कॉज करता है ठीक है तो इस तरीके से क्या होता है जो सी जो मतलब ग्लूकागोन और एपिनेफ्रीन है वो क्या करता है ग्लाइकोजन को किस में तोड़ देता है ग्लूकोज वन फॉस्फेट में तोड़ देता है ठीक है तो ये दो मैकेनिज्म थे ठीक है सबसे पहले हम समझ लेते हैं इसको दोबारा से क्या हुआ था सी एम पी डिपेंडेंट प्रोटीन काइनस तक की कहानी तो से, तो सेम थी ठीक है फिर ये क्या कर रहा था ये क्या कर रहा था ये ये फॉस्फोराइलेस काइनियस जो इनएक्टिव फॉर्म में इसका क्या था फॉस्फोराइलेशन कर रहा था और इसको किसम इसमें इसको क्या था एक्टिव कर दे रहा था ठीक है जब ये फॉस्फोराइलेस काइनस जब एक्टिव हो जा रहा था तो फिर क्या हो रहा था इट फर्दर कॉसेज द फॉस्फोराइलेशन ऑफ ग्लाइकोजन फॉस्फोराइलेस एंजाइम टू ग्लाइकोजन फॉस्फोराइलेस एक्टिव ठीक है जो एक्टिव फॉर्म में एग्जिस्ट कर रहा है उसमें ये कन्वर्ट कर देता है किसके बाई द प्रोसेस ऑफ फॉस्फोराइलेशन ठीक है दोनों केस में फॉस्फोराइलेशन हो रहा है ठीक है बच्चों अब जब ये एक्टिव हो गया तो इस इस केस में क्या हो जाएगा ग्लाइकोजन फिर किस में टूट जाएगा ग्लूकोज वन फॉस्फेट में ठीक बच्चो? so है बच्चों सो दिस वॉज अबाउट द रेगुलेशन ऑफ ग्लाइकोजन डिग्रेडेशन बाय सी ठीक है थर्ड है इन्फ्लुएंस ऑफ कैल्शियम ठीक है तो उसको भी हम इसी के अंदर समझ लेते हैं ठीक है बच्चों तो सबसे पहले क्या हो रहा था कि जो कैल्शियम ठीक है जब मसल कॉन्ट्रैक्ट करता है तो सार्को रेटिकुलम से ठीक है जब मसल जब मसल कॉन्ट्रैक्ट करता है तो सार्को रेटिकुलम से भरभर के कैल्शियम आयंस क्या होते हैं रिलीज होते हैं ठीक है थीके? जब कैल्शियम आयंस रिलीज होंगे तो क्या होगा जब सारकोप्लाज्मिक रेटिकुलम से भरभर के कैल्शियम आयंस रिलीज होंगे देन क्या होता है देन इट इट बाइंड्स विद दी कैल्मोडुलिन कैल्शियम मॉड्युलेटिंग प्रोटीन ठीक है उसको मैं यहाँ पे लिख दे रही हूँ। दैट इज दी काल्मा कैल्मोडुलिन कैल्शियम मॉड्यूलेटिंग प्रोटीन ठीक है फिर ये कैल्शियम क्या करता है ये जो कैल्शियम है जो मसल कॉन्ट्रैक्ट जब होता है तब सार्ला प्लास्मिक रेटिकुलम से क्या होता है रिलीज होता है ये कैल्शियम फिर किससे बाइंड करता है कार्मोड्योलिन कैल्शियम मॉड्यूलेटिंग प्रोटीन से जाके बाइंड करता है अब जब ये बाइंड करने के बाद में ये क्या करता है ये फॉस्फोराइलेस काइनेज पर क्या करता है एक्टिवेशन करता है ठीक है तो यहाँ पे हम इस तरह लिख सकते हैं इसको कार्मोड्यूलिन फॉस्फोराइलेस एंजाइम

रिलीज होते हैं वो कैल्शियम आयंस क्या करते हैं कार्मोडोलिन कैल्शियम मॉड्यूलेटिंग प्रोटीन्स जाके बाइंड करते हैं और क्या करते हैं फॉस्फोरालियइनज का एक्टिवेशन करते हैं और इस तरीके से वो क्या हैं ग्लाइकोजिनोलाइसिस प्रोसेस को क्या करते हैं इनिशिएट करते हैं ठीक है विथाउट द इन्वॉल्वमेंट ऑफ सी एम पी सी एम बी के इन्वॉल्वमेंट के बिना नॉर्मल रेगुलेशन को समझने के बाद में ये दो स्टेटमेंट सामने आए सो द फर्स्ट स्टेटमेंट इज दैट एन एलिवेटेड ग्लूकाकॉन एंड एपिनेफ्रीन लेवल इंक्रीजेस ग्लाइकोजन डिग्रेडेशन ये बच्चों ग्लूकागॉन और एपिनेफ्रिन हार्मोन का जब लेवल इंक्रीज हो जाता है तो वो क्या करता है ग्लाइकोजन को तोड़ने का काम करता है मतलब कि वो ग्लाइकोजन से क्या बनाता है ग्लूकोज बनाता है ठीक है हमने पहले स्टेप में देखा था कि ग्लूकागॉन और एपिनेफ्रिन क्या कर रहा था ग्लाइकोजेनेसिस का प्रोसेस इनहेबिट कर रहा था ठीक है जब जेनेसिस इनहेबिट हो जाएगा इट मीन्स इट कॉसिस दी लाइसिस ठीक है बच्चों सो द सेकेंड स्टेप इज इज दैट एन एलिवेटेड इंसुलिन लेवल रिजल्ट इंक्रीज ग्लाइकोजन सिंथेसिस ठीक है जब इंसुलिन का लेवल इंक्रीज हो जाएगा तो वो क्या करेगा ग्लाइकोजन की सिंथेसिस करता है इट मीन्स वो ग्लूकोज से क्या बनाता है ग्लाइकोजन बनाता है इट प्रमोट्स द प्रोसेस ऑफ ग्लाइकोजेनिस येस बच्चों ठीक है तो ऐसे केस में हम ये भी बोल सकते हैं कि इंसुलिन क्या होता है इंसुलिन क्या के अंदर हाइपरग्लाइसिमिक कंडीशन नहीं होने देता है क्योंकि ये क्या करते हैं एक्स ग्लूकोज किसमें कन्वर्ट कर देता है ग्लाइकोजन में कन्वर्ट कर देता है ठीक है बच्चों सो दिस वॉज टू स्टेटमेंट रिगार्डिंग दी हॉर्मोनल रेगुलेशन ठीक है So I'll be sharing the two screenshots uh, on my Instagram page at Pharmacopedia 25. So if you want to follow me over there, you can follow me on Instagram at Pharmacopedia25. Yes, but I keep on updating certain things regarding the videos. Theke, bacho, now moving ahead to the questions. Theke? So the questions for today's lecture is that so the first question is that the Pompe's disease is caused due to the deficiency of which enzyme? Is this answer up to the previous video? Mein previous video ऑन द ग्लाइकोजिनोलाइसिस ठीक है जब मैंने ग्लाइकोजिनोलाइसिस बताया था तो उसमें मैंने पॉम्पियस डिसीज के बारे में uh, आपको बताया था ठीक है बच्चों सो यू विल बी गेटिंग द आंसर्स फ्रॉम दैट वीडियो ठीक है सो द सेकेंड क्वेश्चन इज दैट दी बाइंडिंग ऑफ कैल्शियम टेक्स प्लेस टू विच दैट इज द ब्लैंक इन ऑर्डर टू एक्टिवेट द फॉस्फोराइलेस काइनीस ठीक है कैल्शियम किससे बाइंड करता है जिससे कि क्या होता है किसका एक्टिवेशन होता है फॉस्फोराइलेस काइनेस का द थर्ड क्वेश्चन इज दैट एन एलिवेटेड ग्लूकागन एंड एपिनेफ्रीन

ओके बच्चों सो दिस वाज ऑल फॉर टूडेज लेक्चर आई होप कि जो रेगुलेशन ऑफ ग्लूको ग्लाइकोजेनेसिस और ग्लाइकोजेनोलाइसिस का जो पूरा प्रोसेस है वो आप सबको क्लियर होगा सो यस बच्चों डू नॉट फॉरगेट टू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू फार्माकोपीडिया एंड यस थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो एंड यस डू गिव योर रिव्यूज इन द कमेंट सेक्शन बिलो एज इट मोटिवेट्स मी कि मैं और ज़्यादा एजुकेशनल वीडियोज़ स्टडी करके आप सबके लिए बनाऊँ ठीक है बच्चों तो आप चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें यस बच्चों मिलते हैं अगले वीडियो में टिल देन कीप स्टडिंग एंड टेक केयर